परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर विंद्रेंद्र कुमार जी एवं श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गण यहाँ उपस्थित, स्टेट प्रेसिडेंट और सांसद श्री वीडी शर्मा जी, विधायक गण मंच पर उपस्थित, सभी अतिथिगण, अधिकारियों, देवियों और सज्जनों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत यहाँ पे करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने 2014 में दायित्व संभाला, उस समय देश की क्या स्थिति थी और 9 साल के विकास कार्य के बाद आज क्या स्थिति है? 2014 में भारत में 45% ऐसे परिवार थे जिनको गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था, गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगती थी। आज आपने 2014 के 14 करोड़ कनेक्शन को लेकर आज देश भर में 32 करोड़ गैस के सिलेंडर के कनेक्शन हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 3 साल में जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपने देश में 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन बनवाई, मुफ्त बांटवाई, दुनिया भर में 100 से अधिक देशों को ये वैक्सीन मुफ्त पहुंचवाई, और इसी समय आपने देश के 80 करोड़ हमारे भारतीय नागरिकों को दिन में 3 समय का ड्राई राशन भी पहुंचाया। दुनिया में जो कच्चे तेल के दाम पे जो तकलीफें हमने देखी, तेल का दाम $19.56 से लेके $128 पर बैरल पहुंच गया। भारत एक ऐसा देश है, आप दुनिया भर में देख लीजिए, विकसित देशों में कच्चे तेल का, पेट्रोल और डीजल का दाम 30-40-50% बढ़ा। भारत के आसपास जो देश हैं, वहां पे भी 60-70% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ऐसे कदम उठाए और पिछले 2 साल में भारत में पेट्रोल का दाम बढ़ा नहीं, 5% कम हुआ, डीजल का दाम भी 0.2% कम हुआ। आपने ये कैसे किया? आपने 2 समय, नवंबर 2021 और मई 2022 में ऑन 2 ओकेजन्स आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की, और जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य हैं उन्होंने अपना वैट भी कम किया। आज ये स्थिति है हमारे पास कि जो बीजेपी की डबल इंजन सरकारें हैं, वहां पे आप कार्य विकास का काम देखें और बाकी जगह देखें तो सही पता लगता है। मैं आपकी अनुमति हो तो मैं 1 मिनट लेके मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 2014 में पेट्रोल पंप थे 2,854, आज 2023 में पेट्रोल पंप है 5,938, 108% की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे 2014 में 865, आज है 1,552, 80% की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी कनेक्शन थे 70 लाख थे 2014 में, मध्य प्रदेश में आज 185 लाख कनेक्शन है, 170% की बढ़ोतरी हुई है। और आप एलपीजी पेनिट्रेशन देखें, जैसे देश में 45% था, 45-55% था, यहाँ पे 44% था, आज 100% एलपीजी पेनिट्रेशन है यहाँ पे, और 127% बढ़ोतरी हुई है। पाइप नेचुरल गैस 2014 में 2,700 कनेक्शन थे, आज 2,15,185, 7,632% बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के स्टेशन मध्य प्रदेश में पहले 15 थे, आज 275 हैं, 1,735% की बढ़ोतरी हुई है। और नेचुरल गैस पाइपलाइन किलोमीटर में 802 किलोमीटर थी 2014 में, आज 6,862 है, 755%।
माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आपने उस समय दहेज में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट बना के वहां पर रोजगार, समृद्धि और विकास का कार्य बनाया। मुझे पूरा विश्वास है आज ये जो पेट्रोकेमिकल प्लांट की जो एक्सपेंशन हो रही है और जो एथिलीन क्रैकर प्लांट बन रहा है, इससे रोजगार, समृद्धि, विकास होगा और बुंदेलखंड का एक शानदार विकास का कार्य यहाँ पे बढ़ेगा और शुरू हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद।